मैं बोरीवली में जहां पूरे परिवार के साथ रहता था, इतने जिगरी दोस्त मेरे कि जान भी देते मेरे लिए और मैं उनके लिए जान दे दूं। उनको मैंने जाके बताया कि एक कंपनी है, एक सामान खरीदना है, दो आदमी जोड़ना है, 1.5 लाख रुपए हफ्ता आएगा और तुम सबको मैं करोड़पति बना दूंगा। वो लोगों ने भाई साहब इतना मजाक उड़ाया, इतना हंसे मेरे ऊपर, इतना ताना मारे कि मैं जिस गली में रहता था उस गली से नहीं दूसरी गली से घूम के आया करता था घर पे। करोड़पति बनने चला है, ये लोगों को लूटने चला है, ये लोगों को फंसाने चला है, ऐसा मजाक वो लोग मेरे ऊपर उड़ाना शुरू किए। फिर मैं चुपचाप सिलाई के काम में लग गया और गलती से नियर का मेरे फोन आ गया कि अरे मुर्तजा सर कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो आजकल तुम। और मैं नंबर नहीं था, मेरे ध्यान में था नहीं। मैं बोला भाई साहब अच्छा हुआ कि आपने फोन कर दिए, देखो मैं गरीब आदमी हूं, आपको तो पता है कि छोटी बहन की शादी का जेवर गिरवी रख के मैंने आपके साथ में काम शुरू किया है, हो सके तो मेरा पैसा वापस दे दो, तो मेरा पैसा आप वापस कर दो, तुम्हारी कोई जुड़ता ही नहीं है, तुम्हारी कंपनी में कोई जुड़ता ही नहीं है। तो वो बोले कि ऐसा नहीं है, लोग जुड़ते, तुम लोग काम वही काम तो मैं भी करता हूं। तो बोले तुम क्या करते हो, बोला तुम वही तो बताते हो कि एक सामान खरीदना, दो आदमी जोड़ना और 1.5 लाख रुपए हफ्ता आएगा, यही तो तुम लोग बताते हो, यही मैं भी बताता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तुम एक बार मीटिंग में आओ। फिर मीटिंग गया तो वहां पर चार पांच लोगों ने मुझे ऐसा घेर लिए जैसे कोई मंगल ग्रह से कोई आदिमानव या कोई दूसरा जीव प्राणी उतर आया हो, और सब मुझे लगे समझाने, अरे मुर्तजा सर तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ऐसा वैसा बहुत समझाए। मैं पूरे उनकी मीटिंग और समझाने से एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं फुल टाइम उतर जाता हूं इस बिजनेस में नौकरी छोड़ के तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं गया अपलाइन को बोला कि भाई मैं काम छोड़ रहा हूं, अब आज से मैं ये धंधा ये बिजनेस में फुल टाइम करूंगा। सिलाई के कारखाने में गया, सारे कारीगरों को सबको इकट्ठा किया, उसके मालिक को बुलाया, मैंने बोला मेरा हिसाब किताब क्लियर कर दो, आज के बाद मुर्तजा सिलाई का काम नहीं करेगा और अब मैं अमीर और कामयाब बनूंगा, इसी कंपनी से तुम लोगों के सामने करोड़पति बन के दिखाऊंगा। मैंने नौकरी छोड़ दी, सिलाई का काम छोड़ दिया। उस बीच में मुझे बहुत लोगों ने, मेरे साथ में जो सिलाई का काम करते थे वो मुझे रोके कि मुर्तजा पागल हो गया क्या, इतना अच्छा सेट कहाँ मिलेगा, इतनी अच्छी कंपनी कहाँ मिलेगी, इतना अच्छा सिलाई का मशीन कहाँ मिलेगा, ये देख नीचे जो होटल है ये तुझे उधार खाना भी खिला देता है, इतनी बढ़िया कपड़ा काटने वाली कैंची है, इतना अच्छा तेरे पास मेजर टेप है, इतना अच्छा तेरा टूल है बैठने वाला जिसपे तू सिलाई का काम करता है, इतना बढ़िया तुझे प्रेस मिला हुआ कपड़ा प्रेस करने वाला, एक बार छोड़ देगा तो ऐसी सिलाई की मशीन और इतना अच्छा कारखाना काम तुझे मिलेगा ही नहीं। मैं बोला मुझे सिलाई करना ही नहीं है और अब मैं करोड़पति बन के ही आऊंगा तुम्हारे सामने। वहां से मैं चला आया, पहचान तो मैंने मेरी पहले ही खराब कर ली थी सबको बोल बोल के कि एक सामान खरीदना दो आदमी जोड़ना। इसी बीच में मैं लोगों को समझाता था, लोग समझते नहीं थे और मुझे पता ही नहीं था कि ये सिस्टम कैसे चलता है, डायरेक्ट सेलिंग में काम कैसे होता है। तकरीबन 2-3 महीने निकल गए, दो बहन छोटी माँ बाप को लेकर मुंबई में रहता था, जो 3-4 हजार रुपए महीने में कमा के लाता था उससे मेरा परिवार चलता था। मैंने नौकरी छोड़ दी, घर में खाने पीने को दिक्कत हो गई। कभी कभी ऐसा होता था घर में चटनी रोटी बनती थी, कभी ऐसा होता था कि भूखे ही सो जाना पड़ता था, लेकिन मैं भूखा सो जाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब मेरी छोटी बहन भूखा सोती थी तो मुझे बड़ा दर्द होता था और मैं रोता था तकिया दबा के से कि घर वाले देख ना ले मुझे कहीं, और मैं ऊपर वाले से बात करता था कि कुछ भी हो जाए एक मौका मुझे दे दे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और मैं बन के दिखाऊंगा, कामयाब बन के दिखाऊंगा। रोता था मैं, बहुत रोया हूं इस धंधे में, बहुत रोया। ऐसे ही 3-4 महीने निकल गए, मैं लोगों को मीटिंग में बुलाया करता था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लोग बस से चले आए, अपनी मोटरसाइकिल से चले आए, ट्रेन से चले आए, और मुझे जब बोलते थे कि सर तुम भी चलो ना ट्रेन से, मैं बोलता था नहीं तुम चलो, मैं पीछे से बाइक से आ रहा हूं। मैं पैदल जाया करता था, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल ही चले जाता था, पैसा नहीं रहता था मेरे पास।
मीटिंग में ऐसा टीम इकट्ठा होती थी, कुछ लोग थोड़े थोड़े ज्वाइंट कर गए तो कोई बोल दिया कि सर भूख लगी है नाश्ता कर लेते हैं मीटिंग के बाहर। बोले हाँ ये लो तुम लोग खा लो, वड़ा पाव खा लो, पकौड़ी भजिया खा लो। बोले सर आप भी खा लो। बोला नहीं नहीं मैं तो अभी खाना खा के आया हूँ, भूखा रहता था लेकिन क्या करे। बोले तुम खा लो, मैं खाया हूं अभी, जबकि अंदर से आग लगी रहती थी पेट में, समझे। तो इस तरीके से काम में करता चला गया। इसी बीच में एक ट्रेनिंग मीटिंग लगी बोरीवली में, बोरीवली में एक ट्रेनिंग मीटिंग लगी, 4 घंटे की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग ने मेरा जीवन बदल के रख दिया, उस ट्रेनिंग ने। जब उस ट्रेनिंग में मैं गया, वहां पर बैठा डायरी पेन लेके मैं लिखना शुरू किया, एक एक चीजें जो जो बताई गई, तब मुझे समझ में आया कि ये धंधा चलता कैसे है, ये मेरे दिमाग से नहीं चलेगा, ये इस संस्था का जो बनाया हुआ नियम है, सिद्धांत है, और इस सिस्टम है, इनके सिस्टम को मैं मानूंगा तो मैं कामयाब बनूंगा, कामयाब बनूंगा। सबसे पहला काम मैंने किया अपने लिए पैंट और शर्ट और एक काला कलर का कोट सिलवाया मैंने। घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा मम्मी ने छुपा उपा के गुल्लक उल्लक में जमीन उमीन के नीचे दबा के रखी थी लिया, कुछ पैसा उधार लिया। कपड़े मैंने सबसे पहले सिलवाए, मैं स्लीपर चप्पल पहनता था और जीन्स और टी शर्ट पहनता था और बड़े बड़े बाल रखता था, एकदम चोर जैसा लगता था मैं, हाँ पॉकेट मार जैसा। तो साला मेरे ऊपर कोई भरोसा करे कैसे। तो सबसे पहले मैंने अपने कपड़ों के ऊपर सुधार किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है 150 रुपए में पैंट और शर्ट में खरीद के लाया था, मलाड वेस्ट में, नटराज मार्केट है। पैंट 150 रुपए में और प्लास्टिक का जूता खरीद के लाया था, बारिश का टाइम था कि जूता सड़े ना, समझे। और जब मैं पहली बार इन किया कपड़े को, इन अंदर इन किया, तो मारे शर्म के घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मुझे बड़ा शर्म आ रहा था कि मैं लग कैसा रहूंगा, क्योंकि बाप जन्म में मैंने कभी इन तो किया ही नहीं था, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे, समझे। तो ड्रेस कोड को सुधारा। उसके बाद मैंने अपने ऊपर जो काम किया, जबान के ऊपर काम किया। जबान, जबान बड़ी बेकार थी। गांव में रहा करता था, सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, गाय भैंस चराता था, बंबई चला गया, वहां सिलाई का काम सीखा। तो पता ही नहीं था कि किसी को आप बोल के भी बात करना है। हम तो सीधा रे तू है सुन रहे, इधर आ रे, किधर जा रहा है रे, अरे मेरी बात सुन रहे, अरे जुड़ जा रहे, अरे तेरी जिंदगी बन जाएगी साले जुड़ जा रहे, ऐसी सब भाषा थी। तो कोई जुड़े ही नहीं। अब पता चला कि यहां पर आप करके बात करना पड़ेगा, सर सर करके बात करना पड़ेगा, मैडम मैडम करके बात करना पड़ेगा। कभी गलती हो जाएगी तुरंत सॉरी बोल देना है, माफी मांग लेना है। नहीं तो जब हम गरीब थे तो इतनी बदमाशी थी कि गलती करने के बाद भी 4 गाली देते थे, मानते ही नहीं थे। और फिर मुंबई की वो टपोरी लैंग्वेज, वो भाषा पूरा चेंज कर दिया। जबान को अपने सुधारा। मैंने बोला ना सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद एक ठीक ठाक से मैंने मोबाइल लिया, सेकेंड हैंड में मैंने एक लैपटॉप लिया क्योंकि नया मैं खरीद नहीं सकता था। थोड़ा पैसा मैंने और कमाया, एक मोटरसाइकिल लिया क्योंकि मैं पांव पैदल चला करता था, मेरे पास मोटरसाइकिल वगैरह कुछ नहीं थी। तो जब मैं बाइक ले रहा था, मोटरसाइकिल ले रहा था, उस टाइम 12-12.5 हजार रुपये डाउन पेमेंट देने थे, मेरे पास पैसा नहीं था। 5-6 हजार रुपये घर में से लिए और बाकी यहां वहां लोगों से मांगे, कोई उधार देने को तैयार नहीं था। लेकिन बाइक मैंने लिया, फिर वहां से मैं बाहर निकला। बाइक लेके जब मैं चलता था, आपको बता दूं कि बाइक लेके जब मैं निकला तो पेट्रोल पंप वाले को बोला 20 रुपये का पेट्रोल डाल देना। तो बोले भाई साहब नई नई मोटरसाइकिल में आदमी टांकी फुल करवाता है। मैं बोला भाई 20 ही रुपये हैं, पैसा ही नहीं है, समझे। कितनी बार ऐसा होता था कि मीटिंग के लिए जाते थे, 20 किलोमीटर दूर जाना है और 10 किलोमीटर तक चली और पेट्रोल खत्म। उसके बाद जो धक्का मार मार के जाना, धक्का मार मार के जाना, और कहीं ब्रिज व्रिज कोई चढ़ना है तो कमर पैर हाथ सब जवाब दे देते थे। बहुत मोटरसाइकिल को धक्का मारा मैंने। कभी कभी मीटिंग से खत्म करके घर जाना है और घर बचा है 10 किलोमीटर दूरी पे और पेट्रोल खत्म, फिर मुर्तजा धक्का मारो, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के घर तक पहुंचते थे, बहुत झेला, समझे। इसके बाद में थोड़ा और सुधारते गया, मीटिंग में आते गया, जो ट्रेनिंग में सीखा था, जो अपलाइन ने बताया था, उनकी बातों को मानते चला गया। मैंने वो एरिया छोड़ दिया, जिस एरिया में मैं रहता था छोटी सोच थी लोगों की, वहां पर ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे, सब जीवन में कामयाब बने आगे बढ़े, तो बड़ी छोटी सोच थी वो लोगों की। मैं वहां से निकला,
मुंबई में एक रेंट पे छोटा सा मैंने भाड़े पे फ्लैट लिया, फिर मैं और काम करते चला गया और सुधारते गया अपने आप को, फिर मैंने वैगनार कार खरीदी, छोटी बहन की शादी का जेवर मैंने जिसका गिरवी रख के बिजनेस स्टार्ट किया था उसकी शादी मैंने कराई, उसको भी कार मैंने गिफ्ट में दिया, कार भी गिफ्ट मैंने में दिया। उसके बाद फिर मैंने फोर्ड फिएस्टा गाड़ी खरीदी, फिर मैंने इनोवा कार खरीदा, फिर मुंबई में और प्रॉपर्टी मैंने बनाई, फिर इसके बाद में मैंने BMW खरीदा, मर्सिडीज खरीदा, अभी मेरे पास फॉर्चुनर कार है, या फिर मैं अभी देखो रेंज रोवर ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 करोड़ की कार में लेने वाला हूँ। इसके मुंबई में अभी जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसकी कीमत 2 करोड़ है, जो अभी मैंने साल भर पहले खरीदी है। बहराइच में मेरा जहाँ जन्म हुआ है, बहराइच से कितने लोग आए हैं, हाँ ये लोगों को पता है कि अभी मैं वहाँ पर मेरा होटल भी बना रहा हूँ, 3 फ्लोर अभी तक मैंने कंप्लीट किए। लेकिन कहने का मतलब मेरा पहले का ये था कि अगर मैं उस टाइम टूट जाता, हार जाता, तो फिर मैं खत्म हो जाता। कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। जो आदमी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है, दर्द सहने को तैयार है, वही कामयाब हो सकता है। और जो थोड़े से धूप में परेशान, थोड़े से छांव में परेशान, भूख लग गई तो परेशान, नींद ना मिली तो परेशान, नहीं कामयाब हो सकते हो। जितने बड़े लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिए हुए, समझे। आज ये मुर्तुजा से 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम AWPL से लेता है, 1.5 लाख रुपए हफ्ते की मेरी इनकम है, समझे। तो आप सभी लोग भी जीवन में कामयाब बनोगे। मैं तो बहुत छोटे स्तर से उठ करके आया हूं, समझे। तो जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो तो पीछे नहीं हटना है, काम बहुत सही, लाइन बहुत सही मिली हुई है, समझे। आज इतना इज्जत मिलता है, इतना मान सम्मान, इतना रिस्पेक्ट, पूरी इंडिया में मेरी टीम चलती है, पूरी इंडिया में कहीं कोई भी स्टेट पे आप उंगली रखो मुर्तुजा का टीम वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक टाइम था कि ऐसा रोता रहता था कि एक आदमी कोई मेरे साथ जुड़ जाए, एक आदमी, एक कैसे भी करके एक चेक बन जाए, 5-10 लोग मेरे भी मीटिंग में बैठने लगे, ये उस टाइम पे था।